विकास की बात मुख्य प्रत्याशियों के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम है दातपुर पंचायत में और यहाँ पे सिटिंग मुखिया जो कि 12 साल का कार्यकाल पूर्ण की है, जनरल वार्ड हो चुका है, फिर भी इन्होंने ये फैसला किया कि नहीं हम ही लड़ेंगे। नूतन सिन्हा इनका नाम हुआ, आइए स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैम, 12 साल के बाद अब क्या? मैं 12 साल तक जनता की सेवा की हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी जनता मेरे को ही चुने। तो जब जनता के बीच में गए हैं आप, तो क्या बोल रही हैं? जनता का कहना है कि हम लोग आते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई भी काम होता है तो आप हम लोग को कर देते हैं, इसलिए हम लोग आप ही को पसंद करते हैं। कोई समस्या बची है पंचायत में आपके हिसाब से? नहीं, कोई समस्या नहीं है। 12 साल का कार्यकाल में ऐसा कुछ पेंडिंग काम बचा है जो कि करना है अभी? डिमांड है अभी जनता का, आगे देखिए क्या डिमांड। आगे हमको अगर मौका देगी जनता तो हम आगे आवास का है तो आवास तो बहुत कोई का आया हुआ है। इसके अलावा अचुनूतन मैम, अगर आप जीत गए, जनता ने अगर आपको सपोर्ट किया, तो ऐसा कौन सा काम होगा जिससे आप सबसे पहला करना चाहेंगे जो बचा हुआ काम में से? सबसे पहले तो आवास का करेंगे, क्योंकि जनता का डिमांड है आवास। इसके अलावा और जो प्रतिद्वंदी जो है आपके जो अपोजिशन में है मैम, वो काफी आरोप लगा रहे हैं कि विकास के कार्यों पर, तो उन पे क्या कहना है आप? विकास का काम तो हम बहुत किए, आप जिस गली में जाइए उस गली में मेरा ही बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन वो तो बोल रहे कि विकास के कार्यों में भी सही नहीं हुआ काम। विरोधी लोग तो बोलेंगे ही, विरोधी लोग को तो कहना है कि विकास नहीं हुआ है, बाकी देखने का है कि विकास का क्या काम हुआ कि नहीं हुआ। फाइनली नूतन मैम क्या कहना चाहेंगे जनता को आप? मैं जनता को यही कहना चाहती हूँ कि वो इस बार हम मेरा सहायता करे, हमको वोट दे, हम अगर जीत गई तो और उन लोग का जो डिमांड है वो मैं पूरा करूँगी। ये थी नूतन मैम दातपुर पंचायत से, जो कि कंटिन्यू 12 साल सिटिंग रही, उसके बाद में वापस इन्होंने फैसला किया कि नहीं हम ही लड़ेंगे। इनका कहना है कि अगर ये जीत के आई इस बार तो फिर एक काम पेंडिंग पड़ा है इनके हिसाब से, वो है आवास का, वो काम ये सर्वप्रथम करना चाहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन कुमार के साथ अरविंद साव, सौ न्यूज़।